वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। और हमारा क्वेश्चन क्या है जी कि इसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, जैसे साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। अब ये जो सम है ये लिखा जाए या ये प्रोडक्ट ले लिया जाए, 4 इंटू साइन 3 थीटा और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये सेम आंसर देंगे। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इन चारों का प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है, तो ये 3/16 आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले पार्ट की बात करते हैं और हमने प्रोडक्ट को सम की शक्ल में लेके आना, ठीक है। इसलिए मैं जो है वो राइट हैंड साइड जो है उसे कंसिडर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है अगर हम इसको देखें तो ये है 4 sin 3 थीटा, ठीक है, और cos square थीटा, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि cos square थीटा का मतलब है कि cos थीटा इंटू cos थीटा, मतलब प्रोडक्ट लिया जा रहा है cos का cos के साथ ही। तो मैं इसे लिख सकता हूं और इस 4 को भी अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, प्राइम 2 इंटू 2, ठीक है, और sin 3 थीटा cosine थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट, अगर हम इस पे प्रोडक्ट से सम का फार्मूला देखें तो हम ये बात जानते हैं कि 2 sin alpha cos beta ये किस केस में हमें मिलता है, जब हम यूं लिख रहे होते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका फार्मूला ओपन करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा को, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आता है वो 2 sin alpha cos alpha आ जाता है, ठीक है जी। तो अब इसी हिसाब से अगर मैं इस पे इसको अप्लाई कर लूं और मैं यहाँ पे यूं शो कर दूं कि जो हमारे पास अल्फा है वो 3 times theta है और जो मेरे पास बीटा एंगल है वो थीटा है, ठीक है, तो फिर ये देख सकते हैं आपके यही जो हमारे इक्वेशन है इसकी जो मतलब ये जो हमारे पास साइड चली आ रही है इसमें 2 इंटू इधर इस ब्लॉक के अंदर जो नंबर लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 थीटा, तो मैं लिख सकता हूं 3 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, प्लस इसी तरह को साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा मतलब, और ये जो कोसाइन थीटा ये इस तरह से ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, इन दोनों के साथ मतलब इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास। अब इसे नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 2 times sin 4 थीटा, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट भी हम लगाएंगे, और प्लस साइन 3 थीटा में से 1 माइनस कर दें 2 थीटा, और ये जो कोसाइन थीटा ये ब्रैकेट से बाहर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत ये 2b और ये कॉस थीटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2b sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस भी होगा, इसी तरह 2 जो है वो साइन 2 थीटा से भी और कॉस भी 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्रोडक्ट आएगा 2 sin 4 थीटा cos थीटा, ठीक है, और प्लस 2 times sin 2 थीटा cos थीटा आ जाएगा। अगेन यही फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है 2 times sin alpha cos beta जो है किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर हम यही इसी फार्मूला को हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब 4 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन इसकी जगह मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 थीटा प्लस थीटा और प्लस साइन 2 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन 4 में 1 ऐड कर दें 5 थीटा, ठीक है, प्लस 4 में से 1 कम कर दें 3 थीटा, ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ भी साइन 3 थीटा, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें दोनों लाइक टर्म्स हैं, साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा ये ऐड हो जाएंगी, तो और इनको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, मतलब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म की जगह लिखा और ये 2 times sin 3 क्यूब थीटा, तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड जो कि
सम की शक्ल में लिखी हुई थी, और हमने प्रोडक्ट से सम की जो है शेप में ले आए इसे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है साइन 5 थीटा, साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन 3 थीटा, और यही हमने रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया है। चले जब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एंगल्स गिवन है 20 का, 40, 60 और 80 का, और हमने इन नंबर्स के ऊपर जब साइन की वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर 3/16 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट से चूके जा रहे हैं, अब हम सम तो नहीं, लेकिन एक हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलें इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें लिखा हुआ है जी साइन 20 डिग्री, ठीक है, साइन 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन देखिए साइन 60 डिग्री हम जानते हैं, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के, तो इसकी जगह हम √3/2 लिख सकते हैं, और साइन क्या मल्टीप्लाई का साइन है जी, साइन 80 डिग्री, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब इसमें जो ये √3/2 है, चूंकि ये नंबर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इसको शुरू में लिख रहा हूँ √3/2, ठीक है, और यहां पर मैं साइन 40 और 80 को ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, मतलब मैं जानता हूं ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर मेरा सेम आएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो मैंने साइन 80 को पहले लिखा, मैं साइन 80 को पहले लिख रहा हूं और साइन 40 को बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। इनका प्रोडक्ट मतलब एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक पहले ले रहा हूँ, साइन 20 डिग्री को मैं प्रोडक्ट से अभी इनका प्रोडक्ट नहीं ले रहा, इसको मैं बाहर ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा ये इक्वल टू होता है कोसाइन, सॉरी ये इक्वल टू होता है, ठीक है जी, ये हम यूं कह सकते हैं कि ये दोनों साइंस के जब आ जाए तो ये इक्वल टू होता है कोसाइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस कोसाइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इसको एक्सपेंड करें फार्मूला से, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा के, इन दोनों को एक्सपेंड करें और इनका डिफरेंस लें, तो हम देखेंगे हमारा आंसर -2 sin α cos β आएगा, सॉरी साइन बीटा आएगा, 2 sin α sin β आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी इसी तरह से है कि अब देखें यहां पर 2 नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से खुद मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और मुझे 2 से फिर इसको खुद से ही डिवाइड भी करना होगा, ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए और ये नंबर जो हमारा वो एज इट इज रहे। लेकिन अब मैं बजाय इस 2 से डिवाइड करने के, मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि √3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर अब ये जो नंबर लिखा हुआ 2 sin 80 sin 40, ये इसी फार्मूला के तहत इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब 80 माइनस 40, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 80 प्लस 40, 80 प्लस 40, ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और साइन 20 डिग्री, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो बात क्लियर होगी आपको। अब इसी तरीके से इसे नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि √3/4, ठीक है। और अब देखें इस पे अगर हम डिफरेंस लें इन दोनों का, तो ये 40 डिग्री आ जाता है, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा कॉस 120, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन 1, सॉरी सिंपल sin 20 है, ये sin 20 डिग्री, ठीक हो गया। अब अगर हम अलाइड एंगल फार्मूला के हिसाब से देखें, तो ये हमारा जो 120 डिग्री एंगल है, ये बेसिकली 90 में आप अगर 30 डिग्री ऐड कर लें, 90 प्लस 30, तो ये उसका सम है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये 90 के ऑड मल्टीपल्स, मतलब के बाद उसमें ऐड होने के बाद आ रहा है ये एंगल थीटा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे जब ऑड मल्टीपल आ जाए, तो लाइट एंगल फार्मूला के तहत हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट हमारा सेकंड बन गया, 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कोई एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 30 डिग्री यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है, तो हम इसमें एक तो इसका साइन बदल देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन नेगेटिव के साथ होता, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अब ये 90 है जो कि ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए हम साइन को उसका को फंक्शन को मतलब कोसाइन है तो इसको साइन में तब्दील कर लेंगे, अगर साइन होता तो इसे कोसाइन में ले आते, अब कोसाइन है तो साइन में आ जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा sin 20 डिग्री, ठीक है। अब देखें साइन जो हमारे पास 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू जो है वो आप जानते हैं किसके इक्वल होती है जी, इसकी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं cos 40 डिग्री,
ठीक है, 40 डिग्री प्लस 1/2 और साइन 20 डिग्री, ठीक है जी। यहां तक हमने इसे लिख लिया। अब इसे नेक्स्ट अगर देख लें आप, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये देखें जी, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका। हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos 40 डिग्री प्लस 1/2 और साइन 20 डिग्री, इस तरह से बाहरी, ठीक है। अब ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएंगे, √3/8, और ये जो साइन 20 डिग्री है ये 2 cos 30 से भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 cos 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 20 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखें ये 2 cos 40 और साइन 20, ये बेसिकली जो है वो, ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि 40 प्लस 20, और माइनस साइन 40 माइनस 20 कितना होता है, 20 होता है, और प्लस साइन 20, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे साइन 20 डिग्री से, और हमारे पास जो रिजल्ट है √3/8 साइन 60। साइन 60 जो है वो आप जानते हैं √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है, √3/2 के। तो यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और 8 2 से मल्टीप्लाई होकर 16। तो ये हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गई।